दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई कलाकार अपने अंदर अभिनय का हुनर लेकर नाम और पैसा कमाने आते हैं, लेकिन यहाँ सफलता उसी को हासिल होती है जिसके अंदर अभिनय कूट कूट कर भरा होता है। ऐसा ही एक अभिनेता 80-90 के दशक में हिंदी सिनेमा में आया और उन्हें देखते ही कई निर्माताओं ने खलनायक के तौर पर अपनी फिल्मों में साइन कर लिया और अपने दौर के एक बेहतरीन खलनायक अभिनेता के तौर पर उभर कर आए। बात करेंगे केविन पैकार्ड की, जिन्हें 90 के दशक की कई सफल बॉलीवुड फिल्मों जैसे सड़क, मोहरा, तड़ी पार और चमत्कार में खलनायक की भूमिका के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वो अपनी बेहतरीन पर्सनालिटी और ऊंचे कद के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आप सब उन्हें एक खलनायक के तौर पर तो जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि वो अपने निजी जीवन में किस प्रकार का व्यक्तित्व रखते थे, वो किस पारिवारिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और कैसी जिंदगी व्यतीत करते थे? यदि नहीं तो निश्चित हो जाइए, क्योंकि आज हम हमारी इस वीडियो में आपको गेविन के प्रारंभिक जीवन, करियर, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। साथ ही इनके संपूर्ण जीवन से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं गेविन के प्रारंभिक जीवन से। तो उनका जन्म 8 जून 1964 को कल्याण, महाराष्ट्र में हुआ। उनको बचपन से ही अभिनय और बॉडी बनाने में दिलचस्पी रही, जिसके चलते वो बड़े होकर एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर और अभिनेता के रूप में उभर कर आए। एक अच्छी बॉडी होने की वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलने पर ज्यादा कठिनाई नहीं हुई और उन्हें आसानी से काम मिल गया। चलते हैं उनके करियर की ओर। तो उन्होंने सन 1988 में मलयालम फिल्म आर्यन के माध्यम से पर्दे पर अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने मुंबई के एक स्थानीय गुंडे मार्टिन की भूमिका निभाई और इसके बाद उन्होंने अपनी लगभग सभी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। बॉलीवुड में उनका डेब्यू सन 1989 की फिल्म इलाका के जरिए हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन दिया। उस वर्ष उन्होंने पी पद्मराजन के सीजन में फैबियन का चरित्र भी निभाया, जो कि यकीनन उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। बेहतरीन बॉडी और खतरनाक लुक की वजह से लोग उन्हें सिर्फ एक खलनायक के तौर पर ही देखते थे और उन्हें उसी तरह के किरदार मिलते थे, जो करने में उन्हें बेहद प्रसन्नता भी होती थी। और उन्होंने अपना प्रत्येक किरदार बखूबी निभाया, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। उनकी आखिरी फिल्म ये है जलवा सन 2002 में रिलीज हुई, जो कि डेविड धवन द्वारा निर्देशित थी। बता दें कि उन्होंने अपने लगभग 15 वर्षों के करियर में हिंदी और मलयालम भाषा की 60 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। जिनमें बात करें हिंदी फिल्मों की, तो उनमें सड़क, साथी, पत्थर के फूल, फतेह, सौदागिरी, त्रिदेव, इलाका, कहां है कानून, नाइंसाफी, चमत्कार, नफरत की आंधी, जवानी, तिरंगा, दीदार, अनाम, पहचान, जागृति नामक फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में वो एक खलनायक के तौर पर नजर आए और उन्होंने अपनी अभिनय कला का बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन किया। इसके लिए उन्होंने दर्शकों का बेहद प्यार जीता। बता दें कि पैकार्ड एक राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार विजेता बॉडी बिल्डर थे और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में वो अभिनेता संजय दत्त, सुनील शेट्टी और शेरा सलमान खान के अंगरक्षक के प्रशिक्षक थे। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की, तो वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता का नाम अर्ल था, जो कि कंप्यूटर विशेषज्ञ थे, और उनकी माँ का नाम बारबरा था, जो कि एक कोंकणी महाराष्ट्रियन थी। उनके दादा जॉन पैकार्ड एक आयरिश अमेरिकी थे, जो अमेरिकी सेना के एक सदस्य के रूप में बैंगलोर आए थे और वहां बसने का फैसला किया था। चलते हैं उनकी निजी जिंदगी की ओर। तो उनके नाम पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम एरिका और कैमिली पैकार्ड है। उनकी बेटी एरिका पैकार्ड फैशन और मॉडलिंग वर्ल्ड का एक जाना माना चेहरा है। भले ही एरिका फिल्मी बैकग्राउंड से रही हो, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना। वैसे तो वो साइकोलॉजी की फील्ड में जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत एरिका को ग्लैमर और फैशन की दुनिया में ले आई। एरिका ने इंडिया के टॉप डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया है और साथ ही वो दुनिया भर के टॉप मॉडलिंग एजेंसी के साथ भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रही। बताया जाता है कि एरिका ने बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को करीब 1 दशक तक डेट किया। दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज थे, लेकिन किसी निजी कारण से सन 2014 में उनका ब्रेकअप हो गया। दोस्तों, आज पैकार्ड हमारे साथ नहीं है।
उनकी 18 मई 2012 को श्वसन संबंधी विकार से मृत्यु हो गई और अगले दिन उन्हें बांद्रा के सेंट एंड्रयूज दफन मैदान में दफनाया गया। उनके बेहतरीन और उल्लेखनीय सिनेमा करियर के बावजूद फिल्म उद्योग के कलाकारों की अनुपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि गेविन का कल्याण फ्लावर मार्केट में बाइक चलाते समय एक्सीडेंट हो गया था और उस हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद वो फिल्मों से भी दूर हो गए और किसी को भी उनकी इस हालत का अंदाजा नहीं था, जिसके कारण कुछ समय बाद वो हम सभी को अलविदा कह गए। हालांकि बाद में कई सुपरस्टार्स ने उनकी मृत्यु पर शोक जताया। गेविन ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने छोटे भाई के साथ बिताए और उन्हीं ने गेविन का ध्यान रखा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गेविन की बेटियां अभिनेता संजय दत्त को अपना गॉडफादर मानती हैं और गेविन के जाने के बाद संजय ही उनका ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।